नहीं आएगी तो हम लंगोटी पर यही कुर्बानी दे देंगे। कुर्बानी कुर्बानी, आप क्या कहना चाहते हैं? कुर्बानी कुर्बानी दे। जिले में इतने बड़े आंदोलन की जिले के मुखिया को जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब वही है आदम जी ने जो कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अगर कोई अभी नेता विधायक को कहीं छींक आ जाए ना, तो ये लोग तुरंत दौड़ रहे हैं लेके कटोरा, एकदम से पीछे पीछे एकदम लाग रहे हैं। ठीक है, यही पुलिस प्रशासन का वो है। आज 10 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं, पूरे गोंडावासी वहाँ पे भीग भीग कर धरना दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर भीग कर, पूरा बारिश हो रही थी, भीग कर यहाँ पर आए हैं, लेकिन इनको कोई कुछ नहीं पता है। अभी इतने लोग आ गए, तुरंत प्रशासन एक्टिव हो गई, तुरंत जीप आ गई, सोमो आ गया, 4-5 भाई एसआई लोग आ गए। भाई साहब आप ज्ञापन दे दीजिए, 13 तारीख को जब ज्ञापन दिया गया था तब कहाँ सोए थे ये लोग। और जनप्रतिनिधियों के लचर रवैये की वजह से ये विश्वविद्यालय गया है। हम आवाज उठाने के जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार संगठन होने के नाते हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब विश्वविद्यालय की मांग को लेकर गोंडा में अवध केसरी सेना पिछले लगभग 10 दिनों से गांधी पार्क में लगातार अनशन पर बैठी है, और आज वही अवध केसरी सेना जिलाधिकारी कार्यालय के सामने यहाँ आकर बैठ गई है, और यहाँ अब उनका धरना चल रहा है। सीधे तौर पर उनसे जानेंगे, उनकी किसी अधिकारी से भी यहाँ बात हुई है? काफी देर से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये है जिला अधिकारी कार्यालय, यहाँ पर काफी देर से अवध केसरी सेना के लोग यहाँ पर बैठे हैं और उनकी विश्वविद्यालय को लेकर मांग है, और साथ ही साथ उनकी जिलाधिकारी से भी कुछ मांग है, किसी अधिकारी को लेकर उनसे बात हुई है, काफी देर तक उनकी बात चली है। उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ आप लोग को आना क्यों पड़ा। देखिए, विगत 14 सितंबर से अवध केसरी सेना गांधी पार्क में धरना दे रही है, लगातार रोज बारिश हो रहा है, हम लोग रोज भीग भीग कर वहां पर धरना दे रहे हैं। मच्छर 4 बजे से काटने लगता है, फिर पूरी रात मच्छर काटता है। मेरा ये दर्द है यहाँ जिला अधिकारी महोदया से लेकर, 13 तारीख को हम लोग ज्ञापन दिए थे, लेकिन ये इतने, मतलब समझ लीजिए कि चाहे अब क्या मजबूरी रही हो, ये लोग बिल्कुल एकदम कुंभकर्ण की नींद में एकदम सोए हुए थे। अगर कोई भी अवध केसरी सैनिक गोंडावासी को वहां पे सांप काट लेता, बिच्छू काट लेता, चूहा काट लेता, या कोई अन्य जानवर काट लेता, कोई कीड़ा काट लेता, इन सब की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ये लोग झांकने तक नहीं गए। क्या दबाव है इनके ऊपर, क्या मजबूरी है इनके ऊपर, वही मजबूरी को जानने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत बड़ा दर्द है हम लोग किस इसके लिए, इसके लिए आपने अवगत भी कराया था कि हम लोग वहाँ बैठेंगे, रात भर बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, किसी प्रशासन को या किसी अधिकारी को अवगत कराया था आप लोगों ने? जी, 13 तारीख को माननीय कमिश्नर साहब को और जिला अधिकारी महोदया जो है उस टाइम मीटिंग में व्यस्त थी, और इनके एक आला अधिकारी आकर यहीं पर ज्ञापन लिए थे, और 13 तारीख को ज्ञापन के जरिए सब कुछ हम लोग अवगत करा दिए थे। इसके बाद में एक होमगार्ड तक ये लोग नहीं भेजे हैं। अगर कोई अभी नेता विधायक को कहीं छींक आ जाए ना, तो ये लोग तुरंत दौड़ रहे हैं लेके कटोरा, एकदम से पीछे पीछे एकदम लाग रहे हैं। ठीक है, यही पुलिस प्रशासन का वो है। आज 10 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं, पूरे गोंडावासी वहां पे भीग भीग कर धरना दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर भीग कर, पूरा बारिश हो रही थी, भीग कर यहाँ पर आए हैं, लेकिन इनको कोई कुछ नहीं पता है। केवल ये नेताओं की जो है चापलूसी करेंगे और नेताओं की जो है रखरखाव करेंगे, बाकी आम जनता चाहे मरे चाहे मिटे, चाहे वो भूखों मरे, कुछ भी हो, इनको कोई मतलब नहीं। ये केवल कार्यक्रम करेंगे, बस अपना मोटो, अपना जो एम है, अपना एक प्रचार प्रसार करेंगे। अधिकारी भी अपना प्रचार प्रसार करते हैं, इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती। इनको भी नेता बनने का शौक जो है लगा हुआ। आप अभी यहाँ किसी अधिकारी से काफी देर आपकी चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई, क्या बात? सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आए थे, वो कह रहे थे कि ज्ञापन हमको दे दीजिए, इससे पहले हमको नहीं पता था, वो सरासर गलत कह रहे थे। हम यहाँ 13 तारीख को ही हम ज्ञापन दे चुके हैं जिलाधिकारी महोदय के को, ये सारे प्रशासनिक अधिकारियों को पता है। उसके बाद भी इन लोगों का उदासीन रवैया ये बेहद खराब तरीका है। आज 10वां दिन है, हम लोग 10वें दिन से बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के लचर रवैये की वजह से ये विश्वविद्यालय गया है। हम आवाज उठाने के जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार संगठन होने के नाते हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक सही मांगे नहीं मानी जाएंगी, विश्वविद्यालय को लेकर के घोषणा नहीं होंगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि आप लोग 10 दिन से गांधी पार्क में बैठे हैं और 10 दिन से आप लोग की यही विश्वविद्यालय को लेकर मांग है, 10 दिन से के बाद आज आप लोग को यहाँ पर आने के लिए विवश क्यों होना पड़ा? आने के लिए हम लोग को विवश इसलिए होना पड़ा, जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि कोई गोंडा का जो विश्वविद्यालय बनेगा तो सिर्फ अवध केसरी सेना के नाम पे तो नहीं बनेगा, ना किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पे बनेगा। हम लोग 10 दिनों से वहां धूप बरसात
और जो है आंधी तूफान सब झेल रहे हैं, प्रशासन का एक बार भी वहां पे हम लोग को देखने तक नहीं आना हुआ। हम लोगों ने जबकि 13 तारीख को डीएम महोदया को और कमिश्नर साहब को जो है एक ज्ञापन सौंपा था कि 14 तारीख से हम लोग धरने पे बैठ रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन के कान पे एक जू तक नहीं रेंग रही है कि वहां पे लोग रात में 2 बजे 4 बजे किस तरीके से हैं, कोई जानवर आके काट ले, कोई बाहरी जो है सांड आप देख ही रहे हैं आजकल हर जगह जाके अटैक कर दे रहे हैं, कोई मर जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, चारों तरफ से वहां पे खुला हुआ वो प्रशासन का वो है जो कि कोई नहीं आके वहां देख रहा है। तो हम लोग को इस वजह से मजबूर होकर आना पड़ा यहाँ पे डीएम महोदया के पास कि हम लोग अपनी व्यथा उनको सुनाएं, और अगर वो विश्वविद्यालय नहीं बनवा सकती हैं तो हमारी मांगे कम से कम माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएं। जैसे कि अभी यहाँ कोई अधिकारी भी आए थे, पुलिस प्रशासन भी आया था, आप लोग की काफी देर तक चर्चा हुई, कुछ बात हुई, तो अब क्या मांग है आप लोग की? हमारी मांग यही है कि जब तक डीएम महोदया खुद नहीं आती है, हम लोग उनको अपने हाथ में ज्ञापन नहीं उनके हाथ में सौंप देते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे गांधी पार्क बैठना पड़े चाहे यहाँ बैठना पड़े, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम लोग नहीं उठने वाले। भैया जैसे कि ये बताया गया कि डीएम साहब का आज कार्यक्रम व्यस्त है, वो आज शनिवार है नहीं आ पाएंगी, कल रविवार हो जाएगा, और फिर परसों सोमवार की बात आ रही है कि सोमवार को मिल पाएंगी, तो आगे क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग यहीं बैठेंगे, जब 10 दिन से वहां बैठे थे, हम लोग आदमी हैं, प्रशासन को शासन को देखना चाहिए कि हमने खाना खाया, पानी पिया, गर्मी है, बरसात हो रही है, बरसात के मौसम में जानवर निकलते हैं, कुछ काट लिया, कौन कहाँ है, किसकी तबीयत खराब हो, ये देखना चाहिए, किसके पास पीने को पानी है, खाना खाया हम लोगों ने नहीं खाया, कुछ किसी प्रशासन के किसी व्यक्ति ने यह सब देखने का कोई प्रयास नहीं किया, वहां कोई नहीं गया। तो अब आज जब 10 दिन के बाद हम लोगों को यहाँ आना पड़ा, तो अभी हम यहाँ बैठेंगे, यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे, क्योंकि 10 दिन के पहले से डीएम साहब को पता था कि गांधी पार्क में केसरी सेना आंदोलन कर रही है, तो इनको दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन जाकर वहां देखना चाहिए कि आंदोलन हो रहा है, किस मुद्दे पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझाना चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए, लेकिन इनके अंदर अगर संवेदना होती तब जाते। 10 दिन में जानवर का भी दिल पसीज जाएगा, जानवर अगर किसी गाय का बच्चा है एक दिन दूध नहीं पाएगा तो गाय दूसरे दिन खुद उसके पास जाएगी दूध पिलाने, तो ये लोग मतलब जानवर में भी संवेदना है, हम लोग तो इंसान है, ये भी इंसान है, इनको 10 दिन के अंदर देखना चाहिए कि हम लोग कैसे हैं क्या हैं, तो इन लोगों ने देखने की कोशिश नहीं की, तो आज हम लोग यहाँ आए हैं, अभी यहाँ आए हैं तो यहाँ बैठेंगे, जब तक डीएम साहब नहीं आती है तब तक हम यही बैठेंगे। डीएम साहिबा जब तक आती नहीं है तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, जैसा कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि हम लोगों को कुछ पता नहीं है, पूरा गोंडा विश्वविद्यालय की मांग को लेकर जल रहा है, महाविद्यालय के छात्र सड़कों पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अपना शर्ट उतार के वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें विश्वविद्यालय चाहिए, उसके बाद भी प्रशासन और शासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग जब तक विश्वविद्यालय की मांग को पूरा करवा नहीं लेंगे तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं है, चाहे उसके लिए अनशन करना पड़े, चाहे उसके लिए आमरण अनशन करना पड़े, चाहे एक एक व्यक्ति अवध केसरी सेना का जब तक नहीं उठेगा जब तक यहाँ विश्वविद्यालय का आश्वासित हम लोग को कोई निर्देश नहीं मिल जाता है। देखिए ये तो साफ है कि अवध केसरी सेना विश्वविद्यालय की मांग को लेकर लगातार धरना दे रही थी, और आज उसी को लेकर उनकी कुछ मांगे थी, वो जिलाधिकारी से मिलना चाहते थे, हालांकि जिलाधिकारी नहीं मिल पाई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या राय है आपकी माता जी विश्वविद्यालय को? बहना है इसीलिए हम बहना सभा चढ़ के उनके पास आई, और वो हमारी सहेली नहीं आएगी तो हम लगोटी पर यही कुर्बानी दे देंगे, कुर्बानी कुर्बानी। आप क्या कहना चाहते हैं? कुर्बानी कुर्बानी देंगे अपने बहन के लिए। क्या कहना चाहते हैं? चुप रहो। हम तो यही कहना चाहेंगे, हम इनके समर्थन में हम जो संविधान एक ज्ञापन देने आए थे, लेकिन हमने पर्चे बता दीजिए आप। मैं प्रमोद मिश्रा जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गोंडा का हूं, और अभी क्या माना जाए कि कांग्रेस पार्टी इस विश्वविद्यालय की मांग को लेकर क्या यहां शामिल है इनके साथ? आप जो मुद्दे उठा रहे थे उसमें एक ही बात कहना है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, और हर सांख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। अभी तक हमारी मांग अपने उन नेताओं से थी, जनप्रतिनिधियों से जिनको हमने चुन के भेजा था, और तो हमारे जनप्रतिनिधियों का जो रवैया है वो आप लोग देख रहे हैं,
आज प्रशासन का भी वो रवैया हो गया। अभी हम लोगों ने विश्वविद्यालय संघर्ष समिति के बैनर तले एक डोमाकल्पी जहां प्रस्तावित विश्वविद्यालय था वहां से परसपुर तक के लिए 12 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली थी, उसमें भी प्रशासन के नाम पर बिल्कुल शून्य, एक सिपाही नहीं गया कि 12 किलोमीटर ये लोग रोड पर चल रहे हैं कहीं कोई खतरा ना हो जाए। आपकी आप कह रहे हैं कि आपने सूचना नहीं दिया, आप इसका मतलब पूरा प्रशासन फेल है ना, आपकी एलआईयू काम कर रही है, ना आपकी सीआईडी काम कर रही है, ना आपकी खुफिया विंग काम कर रही है। अगर जिले में इतने बड़े आंदोलन की जिले के मुखिया को जानकारी नहीं है तो इसका मतलब वही है आदम जी ने जो कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, और इधर उधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। अगर डीएम साहब आज नहीं आती है तो केसरी सेना के लोग क्या यहीं बैठे रहेंगे? देखिए, ये अवध केसरी सेना का पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये सारे संगठन, सारे छात्र छात्राओं का और जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, आने वाले भविष्य के लिए है। डीएम साहब कब तक नहीं आएंगी? जब तक नहीं आएंगी हम लोग यहीं बैठेंगे, यहीं सोएंगे, समझ लें गांधी पार्क का पार्क जो है यही है, जो उसका प्रांगण है यही है। और एक बात और, जैसे कि अभी इतने लोग आ गए, तुरंत प्रशासन एक्टिव हो गई, तुरंत जीप आ गई, सोमो आ गया, चार पांच भाई एसआई लोग आ गए, भाई साहब आप ज्ञापन दे दीजिए। 13 तारीख को जब ज्ञापन दिया गया था तब कहाँ सोए थे ये लोग? इसका मतलब हम लोगों का ज्ञापन छोटे अधिकारियों के द्वारा दबा लिया जाता है, डीएम महोदय को नहीं दिया जाता है। और आज जब तक डीएम महोदय नहीं आएंगी, उनसे अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और विश्वविद्यालय हमारा अधिकार है, इसको हम लेकर रहेंगे। अगर वो कहते हैं लाठी चार्ज तो ऐसे लेट जाएंगे, जितना मारना होगा मार लेंगी। लेकिन ये गांधी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये गांधी पार्क नहीं है, ये डीएम कार्यालय है, यहाँ फरियादी आते हैं, अधिकारी उनकी बात सुनते हैं। तो ऐसे में जब आप लोग यहाँ बैठकर अपनी मांग रखेंगे तो जो फरियादी आते हैं उनकी जो बातें यहाँ रखनी है वो पूरा मामला डिस्टर्ब होगा, तो उसको नहीं। देखिए, ये धरना और ये सबको बहुत शांतिपूर्ण है, फरियादियाँ सुनिए, फरियादी हम भी हैं, क्योंकि ये हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है। फरियादी आएंगे, उनको हम रास्ता दे देंगे, निकल जाएंगे, इसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम उनसे मिलेंगे, अपनी व्यथा बताएंगे, तो जैसे और फरियादी होते हैं वैसे हम लोग भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर फरियादी वाला काम कर रहे हैं, और जब तक नहीं आएंगे तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। साफ तौर पर अवध केसरी सेना की ये जो विश्वविद्यालय को लेकर मांग है, इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि तमाम संगठन हैं जो विश्वविद्यालय की मांग को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अवध केसरी का साफ तौर पर कहना है कि जब तक गोंडा जिलाधिकारी यहाँ पर आ नहीं जाएंगी, उनकी बात सुन नहीं लेंगी, तब तक वो यहाँ से उठने वाले नहीं।